हेलो प्रेपमेट्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी प्यारी मोस्ट वांटेड सीरीज वर्जन 2.0 में और हमारी जर्नी के 34th डे के ऊपर। आज हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। एटॉमिक स्ट्रक्चर के नाम से आप इस चैप्टर को केमिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ चुके हो, बट फिजिक्स के अंदर थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव में इस चैप्टर को पढ़ना होता है। फिजिक्स के अंदर ये पोर्शन बहुत ही आसान है। फिजिक्स के अंदर इसमें से नीट के अंदर क्वेश्चन आना 100% तय है और उस क्वेश्चन के अंदर आप आसानी से स्कोर कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चन होगा बहुत ही आसान। इस चैप्टर को अक्सर बच्चे नजरअंदाज कर देते हैं जबकि ये चैप्टर आपको आसानी से स्कोर करवा सकता है 4 मार्क्स। इस चैप्टर का रिलेशन कहीं ना कहीं हमारे पिछले चैप्टर से भी है जिसमें हमने ड्यूअल नेचर के बारे में पढ़ा था और स्पेशली फोटोन्स के बारे में पढ़ा था हमने, राइट। तो वहां से भी रिलेशन देख पाओगे आज आपके चैप्टर का, आज के चैप्टर का, राइट। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज का चैप्टर। हमारा जो कंसेप्ट मैप रहेगा इस चैप्टर का, वो इस एक पेज के अंदर समाया हुआ है। आपको बस केवल और केवल इतनी सी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप किसी भी वैरायटी के क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। सो अगेन, मैं मोस्ट वांटेड सीरीज का फंडा रिवाइज करवाना चाहता हूं आपको कि हम लोग उस मिनिमम इंफॉर्मेशन को टारगेट करते हैं जिसके ऊपर मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं किए जा सकते हैं। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो रदरफोर्ड मॉडल से होगी। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो सबको पता होगा, उन्होंने एक गोल्ड फॉयल ली थी बहुत ही पतली और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करवाई थी और उसके बाद में वो इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंचे थे कि एटम जो होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है। एक बहुत ही छोटे वॉल्यूम के अंदर सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट सारा का सारा जो मास है वो कंसंट्रेटेड होता है। उस स्ट्रक्चर को उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लियस। इनफैक्ट उन्होंने न्यूक्लियस की साइज भी हमें बताई थी। तो उस एक्सपेरिमेंट में जो अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड करवाए जा रहे थे उनकी काइनेटिक एनर्जी थी ई, और जब वो बिल्कुल न्यूक्लियस की बाउंड्री पर पहुंच जाते हैं तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के टाइम्स फर्स्ट चार्ज दैट इज जेड टाइम्स ई, सेकेंड चार्ज दैट इज अल्फा पार्टिकल्स यानी कि ट्वाइस ऑफ ई डिवाइडेड बाय आर नॉट। तो अल्फा पार्टिकल की एनर्जी को इस पोटेंशियल एनर्जी से आप इक्वेट करोगे तो आप आसानी से आर नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो, ट्वाइस ऑफ के टाइम्स जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई के इक्वल आ जाएगी। तो इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस फॉर्मूले को याद करने की बजाय इस अप्रोच को ध्यान रखो जो मैंने आपको बताई है कि एनर्जी कंजर्वेशन का रूल जो है वो हमें लगाना है और जो भी कुछ पूछे उसके बारे में हमें आंसर देना है। रदरफोर्ड मॉडल जो था उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी। इंपॉर्टेंट जो ड्रॉबैक है वो ये था कि रदरफोर्ड को इलेक्ट्रॉन को स्टेटिक मानने के अंदर दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अगर स्टेटिक माना जाता इलेक्ट्रॉन को तो वो न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता उससे अट्रैक्ट होते होते। तो रदरफोर्ड ने सोचा कि यार क्यों ना इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करवा दिया जाए, क्योंकि फिर जो इलेक्ट्रोस्टेटिक अट्रैक्शन होगा वो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। बट उसके कुछ ही टाइम बाद में मैक्सवेल नाम के भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि अगर आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है यानी कि सर्कुलर मोशन के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसको अपनी एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में रेडिएट करनी चाहिए, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में अगर एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता हुआ रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, तो अल्टीमेटली उसकी जो एनर्जी है वो कम होती चली जाएगी, उसकी रेडियस कम होती चली जाएगी और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड जिस रास्ते पर चला था बचाने के लिए इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरने से, उसी रास्ते पर वो मात खा गया और अगेन मैक्सवेल ने ये साबित कर दिया कि इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन के अंदर भी क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ड्रॉप हो जाएगा। खैर, ये जो मैक्सवेल की थ्योरी थी ये राइट थी क्योंकि हमने जितने भी एलिमेंट्स थे उनके स्पेक्ट्रम बनाना सीख लिए थे और स्पेक्ट्रम से हमें पता चला था कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो एमिट तो होती है, रेडिएशंस तो बाहर निकलती है। फिर हमें पता चला कि यार ये जो रेडिएशंस होती है ना ये भी कंटिन्यूअस नहीं होती है, डिस्क्रीट वे में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मतलब हर वेवलेंथ की रेडिएशन आपको नहीं मिलेगी, कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ ही है उसी वेवलेंथ की रेडिएशंस आपको मिलती है। तो इस डिस्क्रीट नेचर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, उस टाइम पे हाइड्रोजन के ऊपर ही चल रहा था सब कुछ, उसको भी रदरफोर्ड भाई साहब एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो ये पूरी की पूरी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है ये उन बच्चों के लिए एप्लीकेबल है जो शायद अभी कुछ टाइम बाद में बोर्ड के अंदर एग्जाम के अंदर अपीयर होने वाले हैं, अदरवाइज दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, आप बस केवल और केवल सुन सकते हुए। फिर
बोहर जी आते हैं और वो अपने तीन पोस्टुलेट्स देते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि मुझे इनका कारण मत पूछो, लेकिन अगर आप इनको मान लोगे तो मैं हाइड्रोजन की पूरी स्ट्रक्चर समझा सकता हूँ, ऐसा बोहर ने डिक्लेयर किया। तो हमने सुन ली उसकी बात, उसने तीन पोस्टुलेट्स दिए थे। सबसे पहला उन्होंने दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, रदरफोर्ड जैसा ही है, बट उसने एक वर्ड एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, वो है स्पेसिफिक, यानी कि हर रेडियस वाले सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व नहीं करेगा, कुछ स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट्स ही होंगे उसी के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर पाएगा। सेकंड पोस्टुलेट में उसने उस स्पेसिफिक ऑर्बिट को डिफाइन किया कि ये जो स्पेसिफिक ऑर्बिट है ये वो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई नामक कॉन्स्टेंट के इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल है। यहां पर एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट जो है वो बोहर ने अप्लाई किया था, राइट। और फिर जब ये इस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रॉन कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स के अंदर ही रिवॉल्व कर सकता है, तो जब वो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट से लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन करेगा तो जो गैप है एनर्जी का, उतनी एनर्जी का एक फोटोन एमिट करेगा और उसकी एनर्जी जो होगी वो एच न्यू यानी कि एच सी अपॉन लैम्डा, अपन देख चुके हैं ऑलरेडी फोटोन की एनर्जी, वो इन दोनों एनर्जी लेवल्स के गैप के इक्वल हो जाएगी। तो इन तीन के बेसिस पे आप कंप्लीट हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो, और यही फिजिक्स के अंदर एटम्स वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा जाता है। हम बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाते जिस तरीके से केमिस्ट्री के अंदर चले जाते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो इनके बोर के जो पोस्टुलेट्स थे इनके बेसिस पे कुछ ऑर्बिटल प्रॉपर्टीज हैं उनको हमने डिटरमाइन किया, फिगर आउट किया और उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे किसी भी ऑर्बिट की जो रेडियस होगी वो, ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है, खासकर इनकी डिपेंडेंस एन के ऊपर और जेड के ऊपर। तो 0.529 टाइम्स एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड एंगस्ट्रॉम होगी वेलोसिटी, वीएन इज इक्वल टू 2.2 टाइम्स 10^6 टाइम्स जेड डिवाइडेड बाय एन मीटर पर सेकंड। सबकी यूनिट्स भी ध्यान से देखना ना। एनर्जी जो होगी nth ऑर्बिट की वो हो जाएगी -13.6 इनटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर आपको वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है तो आप इस फॉर्मूला को यूज करना, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर टाइम्स जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। यहाँ पर आर जो है वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.097 इनटू 10^7 आई गेस 7 होती होगी, राइट। तो ये आप कांस्टेंट जो होता है वो नॉर्मली आपको पेपर्स के पेपर जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर होगा उसके अंदर ये सारे के सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू दी हुई होती है। इफ इलेक्ट्रॉन इज इन nth ऑर्बिट, अगर इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट के अंदर है तो वो नीचे वाले किसी भी ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन कर सकता है। तो जितने भी नंबर ऑफ ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगे हर ट्रांजिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको स्पेक्ट्रम के अंदर एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेगी, वो हो जाएगी n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। जैसे आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट के अंदर है तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 रख दो, 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 6 से 2 से कैंसिल हो जाएगा यानी कि 5 × 3 = 15 आ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट के अंदर है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी हमें, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेगी। कहाँ से आया ये फॉर्मूला, तो हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रल लाइन को विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें स्पेक्ट्रल सीरीज का कंसेप्ट समझ में आएगा और इस फॉर्मूले का भी कहाँ से आविष्कार हुआ है वो भी हमें पता चल जाएगा धीरे धीरे, राइट। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला की देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है किसी ऑर्बिट के अंदर वो नेगेटिव है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा इस बात को इंडिकेट करती है कि आपका जो सिस्टम है वो बाउंडेड है। आप नोटिस करो जब आप एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तब जाके एनर्जी कितनी होगी, जीरो, यानी कि इनफाइनाइट नंबर का जो ऑर्बिट होगा तब जाके एनर्जी जीरो हो रही है, यानी कि जितने भी प्रैक्टिकल ऑर्बिट्स होंगे उन सब में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव होगी। हाँ, ये जरूर है कि जैसे जैसे आप एन की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे नंबर जो है वो कम नेगेटिव होता जा रहा है, और अगर आप नंबर लाइन के ऊपर देखते हो तो कम नेगेटिव होने का मतलब होता है बड़ा होना, जैसे -1 जो होता है वो -2 से बड़ा होता है। तो n इज इक्वल टू 1 का जो लेवल है वो सबसे नीचे मिलेगा आपको, उसकी एनर्जी हो जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अपन हाइड्रोजन की बात करते हैं तो z की वैल्यू 1 रख देंगे, फिर n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो 13.6 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो आपको नेगेटिव में थोड़ा सा छोटा नंबर मिलेगा। तो नंबर लाइन पे चलोगे तो आप थोड़े से ऊपर चले जाओगे तो यहां पर मिलेंगे। तो आप देख रहे हो n स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ ये जो नंबर n है उसको इंक्रीज करोगे वैसे वैसे आपका जो गैप है वो क्या होता चला जाएगा, रिड्यूस होता चला जाएगा। जितना गैप 1 और 2 के बीच में है उतना 2 और 3 के बीच में नहीं है, जितना 2 और 3 के बीच में उतना 3 और 4 के बीच में नहीं है,
जितना 3 और 4 के बीच में है उतना 4 और 5 के बीच में नहीं है, और जितना 4 और 5 के बीच में उतना 5 और 6 के बीच में नहीं है। तो इस तरीके से आपके एनर्जी लेवल्स जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा था कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के अंदर है, अभी 6th ऑर्बिट के अंदर बैठा है, ठीक है। तो 6th ऑर्बिट के अंदर बैठा है तो कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रांजिशन है वो काउंट कर सकते हैं, कि इलेक्ट्रॉन अगर 6th ऑर्बिट के अंदर है तो 6th से वो दूसरे में भी आ सकता है और दूसरे से पहले पर जंप कर सकता है। तो एक ट्रांजिशन हो जाएगा कि वो दूसरे से पहले में चला जाए, या फिर तीसरे में आके पहले पे चला जाए, या 4th में आके फिर पहले पे चला जाए, 5वें में आके पहले पे चला जाए, या डायरेक्ट 6th कहां पर चला जाए, 1st के ऊपर चला जाए। तो इसमें क्या देख रहे हो आप, कि किस लेवल से आ रहा है वो चेंज हो रहा है, बट किस लेवल में जा रहा है वो फिक्स है। तो ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशंस मिलेगी ये बहुत पास पास होंगी, अगर इनकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में आप इनको ड्रॉ करोगे तो कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दिखाई देगा, और उस कलेक्शन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को ही अपन क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज कहते हैं। तो ये जो सीरीज बन रही है पूरी की पूरी, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है, इसको बोला जाता है लाइमन सीरीज, राइट। फिर तो लाइमन सीरीज की कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिली अपनों को, 1, 2, 3, 4, 5 स्पेक्ट्रल लाइंस अपनों को लाइमन की मिल गई, राइट। फिर आप इसमें आ जाते हैं, अब आपका 3 से 2 में आ सकता है, या फिर 4 से 2 में, या फिर 5 से 2 में, या फिर 6 से 2 में। तो यहाँ पे किसी ऑर्बिट से 2nd ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्पेक्ट्रल सीरीज मिलेगी उसको कहा जाता है बामर सीरीज, ठीक है। इसकी हमें 4 स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, इसी तरीके से 3 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी जो कि पाश्चन सीरीज कहलाती है। फिर 2 स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगी जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से 4th के अंदर आ रहा है, मतलब किसी का मतलब हायर ऑर्बिट से 4th के अंदर आ रहा है 5 और 6 से। तो 2 कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन्स अपनों को मिलेगी, इसको अपन बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। और 1 स्पेक्ट्रल लाइन 6 से लेके 1 तक जो आ रहा है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट से 5th ऑर्बिट के अंदर आ रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सीरीज होगी इसको फंड सीरीज बोला जाता है। तो ऐसे इनकी जो नेमिंग है वो करी गई है, हमारे लिए जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो अक्सर लाइमन और बामर सीरीज के ऊपर ज्यादा पूछे जाएंगे। खास बात नोटिस करना, लाइमन सीरीज जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेडिएशन आपको मिलती है उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, यानी कि उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि आपको यूवी रीजन के अंदर होती हुई दिखाई देंगी, मतलब विजिबल लाइट से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस होती है। फिर उसके बाद में आप बामर सीरीज के ऊपर आ जाओगे तो आपको विजिबल लाइट के अंदर ये पूरी की पूरी बामर सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई देगी। फिर पाश्चन, ब्रैकेट और फंड, ये तीनों जो सीरीज होती है ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाया करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर हमने पढ़ा था। तो इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, फिर इनकी थोड़ी सी कम, इनकी थोड़ी सी और कम, इनकी और कम, और इनकी सबसे कम। अगर हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं तो हम इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो लाइमन सीरीज का जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो हम N1 की जगह हमेशा कितना रख देंगे, 1, और N2 की जगह कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। जैसे वो पूछे फर्स्ट लाइन बताओ लाइमन सीरीज की, तो फर्स्ट लाइन का मतलब होता है 2nd ऑर्बिट से 1st के अंदर ट्रांजिशन करना। जैसे वो बोले कि बामर सीरीज की 2nd लाइन के बारे में बात करे वो, तो बामर सीरीज का मतलब है आएगा तो इलेक्ट्रॉन 2nd ऑर्बिट के अंदर, अब 3 से 2 में आएगा 1st लाइन ऑफ बामर सीरीज, और 4 से 2 में आएगा तो 2nd लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो यहाँ पे एन की जगह पर कितना रख देंगे, 4 रख देंगे, ठीक है। पाश्चन सीरीज में 1 upon lambda is equal to r times 1 upon 3 square, तो फिक्स हो गया 1 upon n square। तो एन की जगह आप 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी रख सकते हो। ब्रैकेट में 1 upon lambda is equal to r times 1 upon 4 square minus 1 upon n square, एन की जगह आप 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रख सकते हो। और फंड सीरीज में आप 1 upon lambda is equal to r times 1 upon 5 square minus 1 upon n square, n की जगह आप 6, 7, 8, 9, ठीक है ना, कुछ भी रख सकते हो। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब आपको अवेयर रहना है। किस चीज के लिए अवेयर रहना है आपको, कि आपको क्वेश्चन के अंदर किस सीरीज के बारे में बात करी जा रही है, उसकी कौन से नंबर की स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बात करी जा रही है, इन दोनों बातों को आपको पकड़ना है। किस सीरीज के बारे में बात करी जा रही है उससे आप N1 की वैल्यू पता लगा लोगे, और फिर कौन से नंबर ऑफ लाइन की बात करी जा रही है उससे आप किसकी वैल्यू पता लगा लोगे, N2 की। फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपसे लैम्डा की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, हो सकता है एनर्जी पूछ ले, तो जब लैम्डा आ जाएगा तो एनर्जी निकालना बड़ी बात नहीं है, हमने ड्यूअल नेचर के अंदर देखा था HC upon लैम्डा जो होती है वो एनर्जी होती है।
फिर हो सकता है उस एनर्जी को किसी अदर काम के अंदर यूज कर ले, जैसे ड्यूअल नेचर के हम अंदर हमने देखा था कि कई बार इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन से जो रेडिएशन निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यूज किया जाता है। तो आपको पता नहीं चलेगा कि मतलब क्वेश्चन ड्यूअल नेचर और एटम से मिक्स करके दिया जाएगा। हालांकि मैं फिर भी आपको ये अश्योर करना चाहूंगा कि क्वेश्चन बेहद आसान होगा और आपको केवल और केवल इन कॉन्सेप्ट्स को जैसा जैसा मैंने आपको विजुअलाइज करवाया है और जितनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिमाग के अंदर रिटेन करने के लिए कही है उतनी मिनिमम इन्फॉर्मेशन को आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने दिमाग के अंदर रिटेन करें रखना है, राइट। तो ये एक पेज की जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज रियली पावरफुल इन्फॉर्मेशन। आप इसकी बेसिस पे मैं जब आपको अभी क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप देखोगे कि क्वेश्चन की वैरायटी बहुत ही ज्यादा वाइड है। मतलब हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हो सकता है हमारी शुरुआत जो हो सॉल्यूशन की वो ड्यूअल नेचर से कहीं ना कहीं आती हो, तो यू विल नेवर नो कि कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। बट ये जो स्मूथनेस है जिससे आप एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट से आसानी से मिक्स कर जा रहे हो, वो जो है अगर आपने सीख ली तो आप फिर नीट के अंदर कम से कम ये जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पोर्शन है उसके अंदर तो 100% स्कोर कर जाओगे, राइट। तो ये आपकी इंफॉर्मेशन हो गई। मैं एक बार फिर से स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो। एंड विथ दिस इंफॉर्मेशन वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व एज मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एज वी कैन। ध्यान रखना इन्हीं में से कोई क्वेश्चन जो है वो हो सकता है नीट के अंदर अपियर हो जाए, या इन्हीं जैसा कोई क्वेश्चन जो है उसकी संभावनाएं हैं बहुत ज्यादा नीट के अंदर अपियर होने की। तो आपको इन क्वेश्चंस को एक बार मैं जब एक्सप्लेन करूं उसके बाद में खुद से भी सॉल्व करना है, जो कि हर वीडियो के अंदर मैं करने के लिए कहता हूँ। फिर आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के लिए अपियर हो सकते हो, या फिर मोस्ट वांटेड बुक अगर अभी तक आपके पास में आ चुकी है तो उसके अंदर जो दिए हुए क्वेश्चन है सेलेक्टेड 40 या 30 क्वेश्चन है उनके अंदर आप अपियर हो सकते हो। अच्छा, बुक के बारे में मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, जिनके पास बुक आ चुकी है एक तो उनको प्लीज जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको मौका मिले उसके ऊपर रिव्यूज लिखनी है बुक की, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं लोगों को कि बुक अच्छी है या बुरी है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें ये बुक खरीदनी चाहिए। बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यूज आपको लिखनी है। बुक का पर्पज है आपको बहुत कम टाइम के अंदर फिजिक्स के अंदर कॉन्फिडेंस दिलाना, और इस बुक का काउंटर पार्ट है हमारी मोस्ट वांटेड सीरीज, राइट। उस बुक के जो क्वेश्चन है जिन जिन के पास में वो बुक आ चुकी है वो आपको टाइम बाउंड मैनर के अंदर करना है। मुझसे बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर हम कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ जाते हैं, हम जब क्वेश्चंस करने जाते हैं तो हमसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते। इसका मतलब है आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस वीक है, या फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो आंसर टिक लगाने का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं है अभी तक, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपको इन सारी की सारी समस्याओं से मुक्ति पानी है तो आपको क्या करना चाहिए, उस बुक के अंदर हर चैप्टर के ऊपर आपको 30, 35, 40 या 45 ज्यादा से ज्यादा इतने क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको 20 या 25 क्वेश्चन का एक बैच बनाना चाहिए। उसके लिए आपको टाइम डिसाइड करना चाहिए, 1 आवर या फिर 50 मिनट्स भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन को 2 मिनट देने आपको, और आपको टाइम बाउंड मैनर के अंदर उन 25 क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। टाइम बाउंड मैनर में करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको पेपर में जैसा टेम्परामेंट चाहिए होगा वैसा टेम्परामेंट डेवलप करने में मदद मिलेगी। दूसरी चीज, आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा पढ़ने के ऊपर तो आपको मैं मार्किंग स्कीम, मैंने बहुत पहले एक वीडियो डाला था, मैं उस वीडियो को हो सकता है दोबारा से प्रिपेयर करूँ, दोबारा से रीशेयर करूँ आप सभी लोगों के साथ। तो आपको मार्किंग स्कीम पता होनी चाहिए कि कोई क्वेश्चन अगर पढ़ने पर नहीं समझ में आ रहा तो उसको मार्क कर दो, उसको देखना ही नहीं है, पहले आगे बढ़ जाओ। हम लोगों की अभी तक मिस्टेक क्या होती है, हम कोई क्वेश्चन करते हैं अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो उसी पर रट के रहते हैं, उसका आंसर देखते हैं, उसका सॉल्यूशन देखते हैं, इतने में हमारा जो अटेंशन है वो कहीं भाग चुका होता है। तो हमें इन सब चीज़ों से बचना है। अभी जितना भी टाइम बचा है उसमें आप मोस्ट वॉन्टेड बुक या फिर टेस्ट सीरीज के लिए आप अपियर हो रहे हो तो वो सबसे अच्छा है, आप टाइम बाउंड मैनर के अंदर प्रैक्टिस कीजिए एंड दैट विल रियली रियली हेल्प यू इन अ वेरी ग्रेट वे। चलो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन, राइट। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन इमिटेड इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। तो हमने लाइमन सीरीज के बारे में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग रेडिएशन जो होती है वो किस स्पेक्ट्रल सीरीज के अंदर होती है, लाइमन सीरीज के अंदर होती है। अब उसकी जो एनर्जी है वो मिनिमम तब होगी जब गैप मिनिमम होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 2 से 1 के अंदर एंटर करेगा, तो उस कंडीशन में फोटोन की जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी 13.6 1/1² - 1/2² इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और फोटोन की एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा। हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो एच सी की जगह हम रख सकते हैं 1240 नैनोमीटर टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा, और यहाँ पे आ जाएगा 13.6 टाइम्स, 1 माइनस 1/4 करोगे तो 3/4 रह जाएगा। 4 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, कितना आएगा, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा 1, तो 3.4 रह जाएगा। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट नैनोमीटर के अंदर मिल जाएगी आपको 1240 डिवाइडेड बाय 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 3। पॉइंट हटा, जीरो लगा। अगर आप इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स, फिर 0 0, और यहां पर अगर आप करोगे इसको तो 34 हो जाएगा 17 टाइम्स। ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना लगभग, वैसे अगर 6200 है तो अपन 2100 इस तरीके से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आप और ज्यादा एक्यूरेट आंसर चाहते हो तो इसको 3 से डिवाइड कर लो, अप्रॉक्सीमेटली डिवाइड कर लो, तो 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर बचेगा 2 यानी कि 0, फिर 20 यानी कि 6, फिर अगेन 20 यानी कि 6, और इस तरीके से चलता चला जाएगा डिवाइडेड बाय 17। तो आपका आंसर आना चाहिए 1, फिर बचेगा 36, तो नॉट हाँ 36, तो 36 में फिर 2 टाइम्स चला जाएगा, फिर बचेगा 26 में अगेन एक बार चला जाएगा, और फिर उसके बाद में 0.8 या 9 समथिंग आएगा। तो इसके आसपास जो आंसर है वो आप देख सकते हो कितना होगा, 122 नैनोमीटर। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन के अंदर दिक्कत आ सकती है, बट इसके और पिछले वीडियो के अंदर जो हमने चैप्टर पढ़ा था वहाँ पे आप अप्रोक्सीमेशन की जितनी भी मेथड्स है वो अप्लाई कर सकते हो, आपको ऑप्शन के अंदर आंसर जो मिल जाएगा आप उसको टिक कर सकते हो। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द बामर सीरीज टू द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइमन सीरीज। तो ध्यान दो, जब एनर्जी मिनिमम होती है, एनर्जी जो होती है फोटोन की वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो जब एनर्जी मिनिमम होती है तो वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, और जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, आपकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। तो बामर सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो आपका इलेक्ट्रॉन कहां से आना चाहिए, इन्फिनिटी से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो अभी अभी हमने देखा था कि 1/λ ऑफ बामर सीरीज फॉर्मूला है, आर रिडबर्ग कॉन्स्टेंट है, वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2² - 1/∞² और वहीं अगर अपन लाइमन सीरीज की बात करें तो यही हो जाएगा आर टाइम्स 1/1² - 1/∞² 1/∞² की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहां पर तो आ जाएगा आर डिवाइडेड बाय 4 और यहां पर आ जाएगा सिंपली आर। तो आपको बामर और लाइमन सीरीज का रेशियो चाहिए, तो आप इससे इसको डिवाइड कर दो, जब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 1/λ डिवाइडेड बाय 1/λ, और R को R बाई 4 से डिवाइड करोगे तो R डिवाइडेड बाय 4, तो ये उल्टे हो जाएंगे, लैम्डा बी चला जाएगा ऊपर, लैम्डा L आ जाएगा नीचे, 4 चला जाएगा ऊपर और नीचे रह जाएगा 1, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो 4:1 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसमें बस कैच ही करना था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहा है, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तब होती है किसी भी स्पेक्ट्रल सीरीज की जब आपका इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से उस सीरीज के कॉरेस्पॉन्डिंग लोएस्ट ऑर्बिट के अंदर ट्रांजिशन करता है, दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स एनर्जी एंड द रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट वेरीज विद द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम नंबर n रिस्पेक्टिवली एज। तो हमने पढ़ा था, इसके फॉर्मूला सारे के सारे देखे थे, और इनफैक्ट मैंने आपको ये तक बताया था कि आपको और कुछ याद रहे या ना रहे बट डिपेंडेंस ध्यान रहनी चाहिए कि जेड के ऊपर और एन के ऊपर किस तरीके से क्वांटिटीज डिपेंड करती है। तो सबसे पहले स्पीड की बात कर रहे हैं, तो स्पीड हमने देखा था जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी जो है वो जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एन स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और रेडियस की अगर अपन बात करें तो ये एन स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बट जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हाइड्रोजन के लिए Z 1 हो जाएगा,
तो आपकी वेलोसिटी 1 अपॉन n, एनर्जी 1 अपॉन n स्क्वायर और रेडियस 1 सॉरी डायरेक्ट n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें फॉर्मूलाज पता है, हम आसानी से कर सकते हैं। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑब्वियसली हमें पता भी है, द एटम्स आर एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल्स टू इमिट रेडिएशन ऑफ 6 वेवलेंथ्स। तो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन कॉरेस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन बिटवीन, तो मैक्सिमम कब होना चाहिए। अब सबसे पहले तो इसको पकड़ो कि टोटल मिला के कितनी लाइंस इमिट करी जा रही है, 6, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस जो होती है अगर वो nth ऑर्बिट से ट्रांजिशन करता है तो वो कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब डायरेक्ट यहां पर देख लो n की वैल्यू, 1 रखोगे तो 0 आ जाएगा, 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 रखोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 रखो, 3 माइनस 1 2 रह जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 4 रख के देखो, जैसे n की वैल्यू 4 रखोगे तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा। तो ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू कितनी हो, 4। हालांकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, बट आप इस तरीके से भी ढूंढ सकते हो, आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो अब हमें पता पड़ गया कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 4th ऑर्बिट के अंदर बैठा है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि उसकी जो एनर्जी है, मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ एमिटेड रेडिएशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशन बिटवीन। तो मैंने बताया था मैक्सिमम वेवलेंथ कब होती है, जब आपकी एनर्जी मिनिमम हो, यानी कि आपका गैप जो है वो मिनिमम हो। और साथ ही साथ में आपको ये पता रखना है कि जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट के ऊपर चले जाते हो वैसे वैसे आपका गैप जो है वो कम होता चला जाता है। तो आपके ऑर्बिट्स ऐसे होते हैं कि ये जैसे फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फिर इससे ऊपर सेकंड ऑर्बिट, फिर गैप कम होता जाएगा, फिर ये थर्ड ऑर्बिट हो जाएगा, फिर और गैप कम हो जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। अब देखना, तो आपको मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम एनर्जी चाहिए, यानी कि आपको मिनिमम गैप चाहिए। तो एक तो आ रहा है 4 से लेके 3 के अंदर, कंपेयर करता चलना, ठीक है ना। एक आ रहा है 3 से लेके 2 के अंदर, थोड़ा गैप बढ़ गया। फिर आ रहा है 3 से लेके 1, ये तो और भी ज्यादा गैप हो गया। और फिर आ रहा है 2 से लेके 1, यानी कि यहां से लेके यहां तक। तो आप इन चारों ट्रांजिशन के अंदर मुझे बताओ कि सबसे कम गैप किसके अंदर था। आप बोलोगे सर इस वाले के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन 4 से 3 के अंदर आया था। कम गैप है इसका मतलब एनर्जी कम रही होगी, और एनर्जी कम रही होगी इसका मतलब है वेवलेंथ जो है वो मैक्सिमम रही होगी, क्योंकि एनर्जी जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप पता चले कैलकुलेशन कर करके देख रहे हो, वैसा कुछ नहीं करना। आपने सबने ऐसा स्पेक्ट्रल सीरीज का डायग्राम देखा हुआ है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट व्हेन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ अ चार्ज Z1 एंड मास M1 approaches a target nucleus of charge Z2 and mass M2, the distance of closest approach is R0, the energy of projectile is। तो हमको पता है कि सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जब वो अप्रोच करता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। तो K times 2E times Ze, 2E आपके अल्फा पार्टिकल का चार्ज हो गया, Ze न्यूक्लियस का चार्ज हो गया, और ये R0 आपकी क्या हो गई, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हो गई। तो यहाँ पे अच्छा, हमें ऑब्वियसली अल्फा पार्टिकल हमें नहीं दे रखा, राइट। तो हमें जो दे रखा है उसकी फॉर्म में बात करते हैं। एक तो इसको पूरा लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये के अपना वो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स वाला कांस्टेंट है, चार्ज Z1 दूसरे का चार्ज Z2 डिवाइडेड बाय क्लोजेस्ट अप्रोच R0। तो तुम देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नजर आ रही है Z1 और Z2 के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास M1, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास M1 के। फर्स्ट ऑप्शन भी सही होना चाहिए था, आई गेस यहाँ पर कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर शायद M2 रहा होगा। देन ऑप्शन 3 इज, ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम is equal to that of the second line of the Balmer series of a hydrogen-like ion. The atomic number Z of
हाइड्रोजन लाइक आयन इज। तो लाइमन सीरीज जो है उसकी फर्स्ट लाइन आपको तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां पर एंटर करेगा, सेकंड से फर्स्ट के अंदर एंटर करेगा। और बामर सीरीज की सेकंड लाइन आपको तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन फोर्थ से सेकंड के अंदर एंटर करेगा। तो 1/λ इज इक्वल टू, पहला तो जो है वो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। फॉर्मूला ये लगाएंगे आर जेड स्क्वायर 1/(n₁)² - 1/(n₂)²। तो चलो सबसे पहले 1/λ आर हाइड्रोजन के लिए जेड 1 हो गया, और लाइमन सीरीज लेनी है तो लाइमन सीरीज की फर्स्ट लाइन जो होती है वो कब बनती है, जब सेकंड से फर्स्ट के अंदर एंटर करता है, राइट। तो 1/λ की वैल्यू हो जाएगी आर टाइम्स, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/4, तो आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज की अगर अपन बात करें तो वो हो जाएगा आर, हाइड्रोजन लाइक आयन है तो उसका एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक नंबर जो है वो जेड रहा होगा, तो अपन उस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, बट ये हो जाएगा। और बामर सीरीज की सेकंड लाइन है, तो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में आता है, सेकंड ऑर्बिट के अंदर। 3 से 2 में आता है तो फर्स्ट लाइन मिलती है, एंड 4 से 2 में आता है तो सेकंड लाइन। तो यहाँ पे 4π². चलो सॉल्व करते हैं, आर टाइम्स जेड स्क्वायर टाइम्स 1/4 - 1/16 इज इक्वल टू आर टाइम्स 3/4। आर से आर तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, 16 - 4 करेंगे तो कितना रह जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 4 × 16 इज इक्वल टू 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 12 कैंसिल हो गया, इससे ये 4 times कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गई, यानी कि जेड की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए 2। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। जैसा जैसा कहा गया है वैसा वैसा कर दिया, फॉर्मूला हमें पता था तो हमें कोई तकलीफ ही नहीं हुई, क्वेश्चन हो गया आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन, An electron of a stationary hydrogen atom passes from the fifth energy level to the ground level. The velocity of that atom acquired as a result of photon emission will be. तो ऐसा क्वेश्चन अपने पिछले वीडियो के अंदर भी करा था कि जब फोटोन निकलता है किसी एटम से तो रिकॉयल मिलता है जो रिमेनिंग एटम है उसको, राइट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। तो स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम पासिस फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल टू ग्राउंड लेवल, तो सबसे पहले तो जो फोटोन निकला है ना उसकी एनर्जी निकालता है अपन, तो इसकी एनर्जी हो जाएगी अगर आप नोटिस करोगे तो, ठीक है, या फिर अपने पास तो वेवलेंथ का फॉर्मूला है, तो 1/λ इज नथिंग बट आर टाइम्स 1/(1)²-1/5²। इसको सॉल्व करेंगे तो आर टाइम्स 1 - 1/25, तो 1/λ की वैल्यू आ जाएगी 24R/25, यानी कि लेमडा आ जाएगा आपका 25/24R, ठीक है। अगर हमें लेमडा पता पड़ गया तो क्या हम मोमेंटम निकाल सकते हैं फोटोन का, तो फोटोन का जो मोमेंटम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो लैम्डा होता था h/p, राइट। तो p जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, h/λ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 24RH/25। जब इसको रखेंगे तो 25 तो नीचे रह जाएगा, 24R चला जाएगा ऊपर। और आपको पता है कि ये आपका एटम है, यहां से अगर फोटोन निकलता है P of P फोटोन मोमेंटम के साथ, तो इसका जो रिकॉयल मोमेंटम होगा वो पक्का किसके इक्वल हो जाएगा, आपके फोटोन के मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये ही आपके एटम के मोमेंट के इक्वल हो जाएगा, फोटोन का और एटम का जो मोमेंटम है वो आपस में इक्वल होगा। एटम का मास है m और एटम की वेलोसिटी है v, तो फिर v की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, 24RH/25m। आई होप ऑप्शन नंबर 3 आपको सबको दिख गया होगा कि करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और इन सब चीज़ों से रिलेट करके, तो अब तो आपको खैर ये सारे के सारे क्वेश्चन टफ नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं, साथ ही साथ में ये कंसेप्ट जो है वो हमें
बहुत अच्छे तरीके से सीखने को मिल चुके हैं इस मोस्ट वांटेड सीरीज के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट एन इज इक्वल टू थ्री टू एन इज इक्वल टू वन इन अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स रिजल्ट्स इन यूवी रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन फ्रॉम। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती है उसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है यूवी रेडिएशन के कंपैरिजन में, क्योंकि रेडिएशन जो है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी वेवलेंथ जो है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एनर्जी ऑफ इंफ्रा रेड रेडिएशन बहुत कम हो जाएगी एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशन के कंपैरिजन में। सबसे पहले तो इसको पकड़ना है, यहां तक की बात आ गई क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने ईएम वेव्स के अंदर भी पढ़ा था ये ऑर्डर। अब ये कह रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन थ्री से वन में आ रहा है तो यूवी रेडिएशन मिल रही है, ठीक है, तो बताओ इन इन ट्रांजिशन में से किसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इंफ्रारेड रेडिएशन मिले। ठीक है, तो अपन अपने लेवल्स बना लेते हैं, ये एन इज इक्वल टू वन रहा होगा, ये एन इज इक्वल टू टू रहा होगा, गैप कम करते जाना है, ये एन इज इक्वल टू थ्री रहा होगा और ये और भी कम गैप पर एन इज इक्वल टू फोर रहा होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन थ्री से कहां पर आ रहा था वन पर, तो कैसी रे मिल रही थी, यूवी। अब आपको पता है इंफ्रारेड की जो एनर्जी है वो यूवी रेज से बहुत कम होती है, तो अपन सारे के सारे ट्रांजिशन के अंदर चेक करते हैं कि किस किस ट्रांजिशन के अंदर इससे कम गैप एक्वायर किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, और उसमें से भी सबसे कम किसके द्वारा किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा पॉसिबल कैंडिडेट हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन का। तो पहला ट्रांजिशन बता रखा है आपको फोर से लेके टू, ठीक है, तो मैं यहां पे बना देता हूं फोर से टू के अंदर। दूसरा आपको बता रखा है फोर से लेके थ्री, यहां से लेके यहां तक। तीसरा आपको बता रखा है टू से लेके वन, टू से लेके वन तक। और चौथा आपको बता रखा है थ्री से लेके टू, दैट इज यहां से लेके यहां तक। अब आप मुझे बताओ इसमें से, इसमें से, इसमें से और इसमें से सबसे कम गैप किस ट्रांजिशन के अंदर एक्वायर किया जा रहा है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, फोर से लेके थ्री के अंदर। तो इस ट्रांजिशन में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो सबसे कम होगी, और सबसे कम होगी इसीलिए इस ट्रांजिशन के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कैसी रेडिएशंस निकले, यूवी के कंपैरिजन में बहुत कम एनर्जी वाले, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर टू जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इस तरीके का रास्ता अपना सकते हो, रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू लाइमन एंड बामर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज। तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, यानी कि एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए, यानी कि ट्रांजिशन कैसा होना चाहिए, जस्ट नेक्स्ट ऑर्बिट से होना चाहिए। तो लाइमन सीरीज की अगर अपन बात करें तो 1 अपॉन लेमडा एल इज इक्वल टू आर टाइम्स 1 अपॉन वन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टू स्क्वायर, यानी कि आर टाइम्स 3 बाय 4, कई बार कर चुके हैं। और बामर सीरीज की बात करें तो आर टाइम्स 1 अपॉन टू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन थ्री स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर टाइम्स 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 9, यानी कि आर टाइम्स 9 माइनस 4 दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 36। इससे इसको डिवाइड कर देते हैं तो 1 अपॉन लेमडा बी डिवाइडेड बाय 1 अपॉन लेमडा एल, आर टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 36 एंड आर टाइम्स 3 डिवाइडेड बाय 4, आर से आर चला गया, ये ऊपर चला जाएगा लेमडा एल, लेमडा बी रह जाएगा नीचे, 5 ऊपर 36 नीचे, 4 ऊपर 3 नीचे, 4 से 9 टाइम्स चला गया, 5 डिवाइडेड बाय 27, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। राइट, आसान है क्वेश्चन, अब तो पकड़ में आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, बस इसमें ध्यान रखना है कि कैसा है स्ट्रॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट वीकेस्ट फलाना डिमका, ये ऐसे जो वर्ड्स है ना इनको पकड़ के रखना है और इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन आपके हाथ में होंगे। हाइड्रोजन एटम्स इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा 975 एंगस्ट्रॉम, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम एमिटेड विल बी। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, अभी अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, जब n की वैल्यू 1 रखते हैं
तो जीरो होती है, टू रखते हैं तो वन होती है, इलेक्ट्रॉन अगर तीसरे ऑर्बिट के अंदर बैठा है तो तीन ट्रांजिशन पॉसिबल होंगे, चौथे ऑर्बिट के अंदर बैठेगा तो छह हो जाएंगे और पांचवे के अंदर बैठेगा तो कितने हो जाएंगे, टेन, फाइव इंटू फोर डिवाइड बाई टू करोगे तो टेन आ जाएगा। तो दो स्पेक्ट्रल लाइंस हो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, यानी ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी तीन ऑप्शन है यानी कि हमें सॉल्व तो करना पड़ेगा, मेरे को लगा था हो सकता है इस तरीके से होकर। चलो अपन फिर सॉल्व करते हैं। तो हमें हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड बाय अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 975। तो जब इस वेवलेंथ के द्वारा जब आप उसको एक्साइट करोगे तो वो किस लेवल के अंदर पहुंच सकता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए। अगर वो n = 2 में पहुंच जाता है तो 1 तो कह रहे ही नहीं, 3 में पहुंच जाता है तो अपना आंसर 3 हो जाएगा, 4 में पहुंच जाता है वो एक्साइट होगी तो 6 हो जाएगा, 5 में पहुंच जाता है तो 10 हो जाएगा। तो अपनों को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो आपने उसको एनर्जी दी है कितनी ही, hc डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो hc की वैल्यू आप रख दोगे 1240 नैनोमीटर टाइम्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा आपको नैनोमीटर के अंदर रखना होता है तो यहाँ पे 97.5 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10, ठीक है, तो उसको 10^-9 बनाओगे तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा, 97.5 करना पड़ेगा, राइट। तो ये एनर्जी आपने दी, और अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उसको ये एनर्जी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितनी मिलनी चाहिए, ग्राउंड स्टेट से गया है यानी कि 1^2 - 1/n, सपोज करो nth स्टेट के अंदर चला गया तो n^2, ये नैनोमीटर से नैनोमीटर चला जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाय 97.5 इंटू 13.6 इज इक्वल टू 1 - 1/n^2। तो ये पॉइंट हटाएंगे एक जीरो लग जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे एक जीरो लग जाएगा, तो अल्टीमेटली 1/n^2 की जो वैल्यू आएगी, इसको इधर ले जाते हैं बाकी सबको इधर ले जाते हैं, वो आएगी 1 - 1240 डिवाइडेड बाय 975 × 136। अब इसको कैलकुलेट करना हालांकि बहुत बड़ी महाभारत है बट करना तो पड़ेगा तभी हमें पता चलेगी वैल्यूज की, एन की वैल्यू कितनी आ सकती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं कैलकुलेशन की तरफ आगे, पहले तो कुछ कैंसिल आउट हो जाता है तो कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 3 times, ये 1 times, 1, 2, 3, 0 वैसे लगा देंगे, ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 times और 4 times, फिर आगे ये 2 से कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है, 1 बार चला गया, फिर 5 बार चला गया, फिर 5 बार चला गया और फिर 2 0 लग गए, 15,500, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 17 बार, फिर ये 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, ये 3 बार चला गया, ये 1 बार चला गया, फिर 00, और यहाँ पर ये भी 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, 1 बार बचेंगे 4, 9 बार बचेंगे 2, फिर 5 बार, ठीक है, 1 बार गया, 4 बचेंगे 47, 9 बार जाएगा 45, 2 बचेंगे 25, तो अगेन 5 से कैंसिल आउट हो सकता है, ये चला जाएगा 6 बार, फिर 2 बार और फिर 0, और ये 5 से कैंसिल आउट होके हो जाएगा आपका 3 times, बचेंगे 4, 9, तो कुल मिला के ऐसा कुछ आपका एक रिजल्ट तैयार हो जाएगा, 1/n^2 इज नथिंग बट 1 - 620 डिवाइडेड बाय 39 × 17। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना हमें फिर भी आसान लग सकता है, ठीक है। अच्छा 17 जो होगा अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप इसको, खैर अपन रियल कैलकुलेशन ही कर लेते, तो 1/n^2 की जो वैल्यू होगी, मैं बच रहा हूं कैलकुलेशन से, 17 × 9 = 39 करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 7 × 9 = 63, पावर चली जाएगी 6, मेरे को 17 की टेबल नहीं आती, 6 7 7 × 9 = 363,
पावर चली जाएगी 6, 7 into 3 21 और 6 हो जाएगा 27 और 1 से करेंगे तो 9 और 3 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 9 और 7 16 पावर 1 और 3 और 3 6 तो 663 बच जाएगा ये तो ऐसा कुछ बचेगा 1 minus 6 20 divided by 663 तो 1/n² की वैल्यू आ सकती है 663 minus 620 तो 663 में से 620 अगर अपन माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 43 बचेगा डिवाइडेड बाय 663। अब हम देख रहे हैं कि यार 43 और 663 तो अगर अपन 43 को 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 48 फोर टाइम्स 68 आएगा तो 688 आना चाहिए मतलब 1/n² को अपन अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं इसको 43 को ये 663 है ना उसकी जगह 688 रख देंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा 1/16 आ जाएगा यानी कि 1/n की वैल्यू आ जानी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 1/4 यानी कि n की वैल्यू आनी चाहिए 4 और अगर n की वैल्यू 4 है ठीक है अगर n की वैल्यू 4 है तो आपकी रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम लाइंस जो होंगी ठीक है वो कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन कोई बहुत भारी भरकम नहीं है कैलकुलेशन है तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेशन मिल सकती है आपको घबराने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v बॉम्बार्ड्स ऑन अ हैवी न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ze इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन तो एनर्जी होती है काइनेटिक 1/2 mv² और क्लोजेस्ट अप्रोच में वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ई ये हो जाएगा जेड ई डिवाइडेड बाय आर नॉट तो आप देख रहे हो कि एम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके आर नॉट के यानी कि आर नॉट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए एम के यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा तो आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मास एम विथ डी ब्रॉयस वेवलेंथ लैम्डा fall on the target in an X-ray tube. The cut off wavelength lambda naught of the emitted X-ray is. तो ये basically जो X-ray है उसकी cut off wavelength की condition में जो भी energy होगी वो कहाँ से आती है आपके electron की energy से आती है तो electrons of mass m with de Broglie's wavelength lambda. De Broglie's wavelength का मतलब होता है lambda. Lambda का मतलब हो जाता है h upon यहां तक की बात आ गई और p को अपन लिख सकते हैं h अपॉन m इंटू v ठीक है यहां तक की बात आ गई समझ में तो v की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी h अपॉन m टाइम्स लैम्डा के इक्वल आ जाएगी यहां तक की बात आ गई समझ में काइनेटिक या फिर मोमेंटम की वैल्यू निकाल लो डायरेक्ट अपन इतना लंबा जोड़ा भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम की फॉर्म में फॉर्मूला बताया तो एच अपॉन लैम्डा हो जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m यानी कि एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m टाइम्स लैम्डा स्क्वायर और यही काइनेटिक एनर्जी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए इस वेवलेंथ ऑफ एक्सरे के इक्वल होनी चाहिए तो एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा नॉट है तो इसको अपन लिखेंगे एच सी डिवाइडेड बाय लैम्डा नॉट क्योंकि एक्सरे जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है तो एच से एच कैंसिल हो जाएगा तो लैम्डा नॉट की जो वैल्यू आएगी वो निकल के आएगी 2mc λ² डिवाइडेड बाय एच यानी कि ऑप्शन नंबर 2mc λ² डिवाइडेड बाय एच अगेन ये मिसप्रिंट है हल्का सा इसको आप करेक्ट कर लो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या हो जाना चाहिए आपका करेक्ट हो जाना चाहिए 2mc λ² डिवाइडेड बाय h तो आसान क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी देता है बेसिकली एक्सरेज कैसे बनती है आप इलेक्ट्रॉन्स जो है जिनके पास जो एनर्जी है उनको स्लो करते चले जाते हो तो स्लो करते चले जाते हो करते चले जाते हो तो आप देखते हो कि उसी एनर्जी से फिर आपकी एक्सरेज जो है वो फाइनली बाहर निकल के आती है ठीक है ना तो जस्ट केवल और केवल एनर्जी कंजर्वेशन के क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जा सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। If an electron in hydrogen atom jumps from third orbit to second orbit, it emits a photon of wavelength lambda. So 1/λ, hydrogen atom ki baat kar rakhi hai, R,
कहां से कहां पे आ रहा है, थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, तो छोटे वाले को पहले लिखना है और बड़े वाले को बाद में लिखना है। तो ये हो जाएगा आर टाइम्स वन अपॉन फोर माइनस वन अपॉन नाइन वन अपॉन लेमडा, तो वन अपॉन लेमडा की वैल्यू हो जाएगी आर टाइम्स नाइन माइनस फोर दैट इज फाइव डिवाइड बाई थर्टी सिक्स। कोई दिक्कत नहीं है। When it jumps from the fourth orbit to the third orbit, the corresponding wavelength, वन अपॉन लेमडा डैश अगेन आर टाइम्स थर्ड से फोर्थ से थर्ड के अंदर आ रहा है, तो वन अपॉन छोटे वाले को पहले बड़े वाले को बाद में, ताकि रिजल्ट पॉजिटिव रहे। वन अपॉन नाइन माइनस वन अपॉन सिक्सटीन, सिक्सटीन माइनस नाइन करेंगे तो कितना बचेगा, सेवन डिवाइडेड बाय नाइन इंटू सिक्सटीन, ये हो जाना चाहिए वन अपॉन लेमडा डैश। इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो वन अपॉन लेमडा से वन अपॉन लेमडा डैश को डिवाइड कर देंगे, आर से आर कट जाएगा, फाइव थर्टी सिक्स नीचे, इसमें नाइन इंटू सिक्सटीन चला जाएगा ऊपर और सेवन रह जाएगा नीचे, ये नौ से चार बार, ये चार से चार बार, और लेमडा डैश ऊपर चला जाएगा, लेमडा नीचे रह जाएगा, फाइव इंटू फोर ट्वेंटी हो जाएगा डिवाइडेड बाई सेवन, तो लेमडा डैश की वैल्यू आ जानी चाहिए ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सेवन टाइम्स लेमडा, ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सेवन टाइम्स लेमडा, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन हाइड्रोजन लाइक एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट्स फ्रॉम एनर्जी स्टेट एन इज इक्वल टू फाइव टू एन इज इक्वल टू टू, अ फोटोन ऑफ 434 नैनोमीटर इज एमिटेड, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड व्हेन द ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम एनर्जी स्टेट एन इज इक्वल टू फोर टू एन इज इक्वल टू टू। तो सबसे पहले तो 5 से 2 के अंदर आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाय 434 नैनोमीटर आर टाइम्स 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर मतलब 25, 25 माइनस 4 करेंगे तो 21 बचेगा, तो आर टाइम्स 21 डिवाइडेड बाय 100। दूसरे के लिए लिखोगे तो व्हाट विल बी द वेवलेंथ, तो इसको अपन लैम्डा मान लेते हैं, आर तो आर ही रहेगा, आपकी बार कहां से कहां आ रहा है, एन इज इक्वल टू 4 टू 2, तो 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 माइनस 4 करोगे तो कितना बचेगा 12, तो आर टाइम्स 12 डिवाइडेड बाय 64। डिवाइड कर देते हैं तो उल्टा हो जाएगा, लैम्डा चला जाएगा ऊपर, 434 नैनोमीटर इज इक्वल टू आर से आर कट जाएगा, 21 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 64 आ जाएगा ऊपर और 12 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो कैंसिल आउट करते हैं, ये 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार, 16 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स, ये 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये 25 टाइम्स हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए, इनफैक्ट अपनों को इसको 16 ही रखना चाहिए था, तो 16 इंटू 7 करेंगे 42, 4 यानी कि 112 इंटू 434 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 100। कैलकुलेशन आसान कर रहे हैं अपन, और ज़्यादा कुछ नहीं है खास, 112 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 434 को इंटू 112, तो ये हो जाएगा 868, फिर 434 एंड 434, तो ये आ जाएगा 80 पावर 1, 9312, 416 पावर 1, 538 एंड ये 4, और इसको जब अपन 100 से डिवाइड करेंगे तो अपना फाइनली आंसर आ जाना चाहिए 486.08 नैनोमीटर। तो इसके सबसे पास वाला आंसर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाना चाहिए, राइट। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो आपको एटम्स की जितनी भी पूरी की पूरी टेरिटरी है, मतलब एटम्स का जितना भी पूरा का पूरा इलाका है, उसकी सैर करवा रहे थे। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये इस रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें से डेफिनेट है कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, और वो जो चार नंबर है वो आपके जेब में होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन हो सकता है इसी वीडियो के अंदर करवाए गए किसी क्वेश्चन से मिलता जुलता हो। साथ ही साथ में ये चैप्टर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
क्योंकि इसके अंदर बहुत कम इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है और उसके बेसिस पे आप बहुत ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, बहुत सारी की सारी चीजें आपको लिखाई और कराई जाती है, बट मेरी अप्रोच इस मोस्ट वांटेड सीरीज के अंदर हमेशा ऐसी रहती है कि आपको मिनिमम इंफॉर्मेशन दी जाए और उसके साथ मैक्सिमम डायरेक्शंस के अंदर आगे बढ़ना सिखाया जाए, और इन क्वेश्चंस के थ्रू मैंने वही करने की कोशिश करी है। आप शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह फाइंड आउट कर सकते हो बट उनका कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर आपको उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्पेशल केस भी ध्यान रखना पड़ता है। उसके बजाय हम हमारी वाली अप्रोच के ऊपर चलते हैं जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन तो कम है बट अगर आप ढंग से कंसेप्ट सीखते हो तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी के सॉल्व हो सकते हैं। सो आई होप यू आर फाइंडिंग दिस मोस्ट वांटेड सीरीज बेनिफिशियल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।